We will continue the same chapter, The Kings, Farmers and Town, in which we will cover the covers how the inscription is used as an evidences, how they are deciphered, and there are some limitations of inscriptional evidences. So the archaeological sources, okay, among the different sources like the pottery, tools, houses, building, burials, artifacts, inscriptions was the very important source. To know about the political, social conditions of the society that prevailed during that time, it gave us the knowledge about the ruler and the work done by the rulers. Okay, here comes what is an inscription. So you can see it is in writing engraved on hard surface such as the stone, the metals, the pottery. Okay, they usually records the achievement, activities and the idea of those who has commissioned. As we saw in the inscription of Ashoka, who conveyed the message to his subject, the moral value, especially the dham, and spread Buddhism. Okay, that was the ideas and the activities done by the ruler. Same we can see the very important Prayag Prashasti, which was composed in praise of Samudragupta, his expedition, victory over war and achievement. So if we talk about inscription, it's virtually a permanent record as it is engraved on the rock pillars, it become a permanent record, some of which they carry the date, others are date on the basis of paleography. Who are not carrying date were assumed on the basis of paleography. Here paleography is what? Paleography is the study of the ancient writing system or the writing style. So how did the historian find out what is written on them in these inscriptions? So most scripts used to write modern Indian language are derived from the Brahmi, the script that was used in the Ashoka inscriptions. तो आप देखते हैं 18th सेंचुरी यूरोपियन जो स्कॉलर थे उन्होंने भारतीय जो पंडित थे उनकी सहायता से जो आधुनिक बंगाली और देवनागरी लिपि का अध्ययन किया और उनके अक्षरों को प्राचीन अक्षरों से तुलना करना शुरू किया. तो स्कॉलर्स हु स्टडीड अर्ली इंस्क्रिप्शन समटाइम अज्यूम दैट दीस वर इन संस्कृत ऑल्दो इट वॉज दिस अर्ली इंस्क्रिप्शन वॉज इन प्राकृत. इसके बाद कई वर्षों तक वैज्ञानिकों ने अथक प्रयास के बाद आप देखते हैं कि जेम्स प्रिंसेस ने अशोक कालीन जो ब्रह्मी लिपि है का 1838 में अर्थ निकाला. ठीक है, अगर हम प्राकृत कह रहे हैं तो प्राकृत भाषा क्या है? आप देखते हैं जिसे आर्यों की भाषा भी कहते हैं. ऐसा माना जाता है जब आर्य भारत में आए तो ये भाषा प्रचलित हुई होगी और जो यहाँ रहने वाले नॉन आर्यन ग्रुप्स है उसने क्या किया, इस भाषा का प्रयोग करना शुरू किया. उसके जो शुद्ध जो उच्चारण थे प्रोनंसिएशन और का वो सही प्रयोग नहीं कर पाया और उसने अपनी निजी उच्चारण और भाषा शैली उसमें डाल दी और उसने बोलना शुरू किया. ऐसे इसका प्रभाव आर्यों की भाषा पर भी पड़ा जिसे हम आम बोलचाल की भाषा कहने लगे. हियर कम हाउ टू डिसाइफर खरोष्टी और हाउ टू रीड इट. तो इतिहासकारों ने इस भाषा का खरोष्टी भाषा का या खरोष्टी लिपि का अध्ययन कैसे किया होगा. ठीक है, तो खरोष्टी को कैसे पढ़ा गया? तो खरोष्टी, इफ यू टॉक अबाउट द खरोष्टी, द स्टोरी ऑफ डिसाइफरमेंट ऑफ खरोष्टी द स्क्रिप्ट, ठीक है, यूज्ड इन द इंस्क्रिप्शन दैट वाज यूज्ड इन द नॉर्थ वेस्ट ड्यूरिंग दैट टाइम, ओके, वाज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दिस ब्राह्मी लिपि सॉरी स्क्रिप्ट. तो यहाँ पर इंडो ग्रीक शासक द्वारा जो सिक्के बनाए गए उससे उन्होंने जानकारी हासिल करने में आसानी हुई. ओके, हियर यू कैन सी द कॉइन्स कंटेन द नेम ऑफ द किंग्स रिटन इन ग्रीक्स एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट्स. ओके, तो इन कॉइन पे जो राजाओं के नाम थे वो ग्रीक और खरोष्टी में लिखे गए थे. सो यूरोपियन स्कॉलर्स हु कुड नॉट रीड द फॉर्मर कंपेयर्ड द लेटर. ओके, तो आप देखते हैं जो यूनानी भाषा पढ़ने वाले यूरोपियन स्कॉलर्स ने अक्षरों का मेल किया
दे कंपेयर द लेटर. उदाहरण के लिए आप देखते हैं दोनों लिपियों में अपोलोडोटस का नाम लिखने में एक ही साइन सिंबल का प्रयोग किया गया. द सिंबल ऑफ ए कुड बी फाउंड इन बोथ स्क्रिप्ट्स फॉर राइटिंग नेम सच एज अपोलोडोटस. और यहाँ पर हम देखते हैं कि जेम्स प्रिंसेस ने क्या किया, खरोष्ठी में लिखे अभिलोक जो इंस्क्रिप्शन है कि भाषा की पहचान प्राकृत के रूप में की, इसलिए यह लंबे इंस्क्रिप्शन को पढ़ना और भी आसान हो गया. हिस्टोरिकल एविडेंसेस फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस. तो हम देखते हैं इंस्क्रिप्शन से प्राप्त हमें ऐतिहासिक साक्ष्य या एविडेंसेस. तो कैसे हमारे इतिहासकार और एपिग्राफिस्ट, ओके, सो व्हाट इज दिस एपिग्राफिस्ट हु कैन स्टडी द इंस्क्रिप्शंस, ओके, के काम करने के तरीकों का पता लगाने के लिए हम अशोक के इंस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे. ठीक है, सो हियर यू कैन सी दैट एपिग्राफिस्ट एंड द हिस्टोरियंस आफ्टर एग्जामिनिंग ऑल द इंस्क्रिप्शन एंड फाइंडिंग दैट दे मैच इन टर्म्स ऑफ कंटेंट स्टाइल लैंग्वेज एंड पैलियोग्राफी. सो लेट्स सी, अशोका डिड नॉट मेंशन हिज नेम इन द इंस्क्रिप्शंस. Okay, then what he used? They used the title in place of their name. As you can see here, some of the title, that is Devampriye, often translated as beloved of the gods, and Piyadasi or pleasant to behold. Some of the inscriptions, okay, he has mentioned his name, especially the Maski and the Gurjara, okay, where you can see he has mentioned his name Ashoka, but almost all other inscription he is called by the titles. So after examining all these inscriptions, okay, and finding they match in terms of the content, the style, the language and paleography, the way of the writing, then the epigraphist came into a conclusion that the inscription is of the same time, same period and issued by the same rulers. So before we move forward, let's see what Ashoka addressed to his subject in his inscription. So in the past, there were no arrangement for disposing affairs nor for receiving regular reports. तो नियमित रूप से सूचना कलेक्ट करने की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन मैंने यह व्यवस्था की. बट आई हैव मेड द फॉलोइंग अरेंजमेंट. सो हियर कम्स अ पोस्ट यू कैन सी पति वेदक्स, ओके, शुड रिपोर्ट टू मी अबाउट द अफेयर ऑफ द पीपल एट ऑल द टाइम्स एनी वेयर, वेदर आई एम ईटिंग इन द इनर अपार्टमेंट, इन द बेडरूम, इन द काउ पेन, बींग कैरीड पॉसिबली इन अ पैलेंक्विन और in the garden, and I will dispose of the affair of the people everywhere. तो आप देखते हैं प्रतिवेदक क्या करेगा, मुझे सूचित करेगा, लोगों का समाचार हम तक पहुंचाएगा, चाहे मैं कहीं भी हूँ, ठीक है, चाहे मैं शयन कक्ष में हूँ, चाहे मैं इनर अपार्टमेंट में हूँ, चाहे मैं गौशाला में हूँ, चाहे मुझे फिर पालकी में ले जाया जा रहा हो, ओके, या फिर मैं बगीचे में हूँ, तो मैं हर लोगों की समस्या का निवारण हर जगह हर स्थल पर करूंगा. सो हियर यू कैन सी द एपिग्राफिस्ट, ओके, दे हैव ट्रांसलेटेड द टर्म प्रतिवेदक, ओके, एज रिपोर्टर. ठीक है, तो हम देखते हैं कि इन्होंने इसको शब्द को संवाददाता के रूप में ट्रांसलेट किया है. जो इफ यू टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ द प्रतिवेदक हैव डिफरेंट फ्रॉम द रिपोर्टर ऑफ टूडे टाइम्स, ओके. सो यू मे ऑल्सो हैव नोटिस्ड दैट अशोका क्लेम दैट अर्लियर रूलर हैड नो अरेंजमेंट टू रिसीव द रिपोर्ट्स. सो इफ यू कंसिडर पॉलिटिकल हिस्ट्री प्रायर टू अशोका, डू यू थिंक द स्टेटमेंट इज ट्रू, इट्स प्लॉसिबल और एक्सग्रेशंस. तो क्या ये वाकई, क्या आपको लगता है कि अब वाकई में सही है? सो हिस्टोरियन हैव टू कॉन्स्टेंटली असेस द स्टेटमेंट मेड इन इंस्क्रिप्शन वेदर इट इज ट्रू और नॉट. सो डिड यू नोटिस दैट देयर
are some words within the bracket. Here you can see that I have underlined these words which are in bracket. Okay, so epigraphist sometimes add these to make the meaning of sentence clear. This has to be done carefully to ensure that the intended meaning of the author is not changed. वाक्यों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऐसा करते हैं जिससे लेखक का मूल अर्थ में कोई बदलाव ना आए. ओके, सो हिस्टोरियन हैज टू मेक अदर असेसमेंट ऑल्सो. सो हियर इफ अ किंग ऑर्डर वर इंस्क्राइब्ड ऑन नेचुरल रॉक्स नियर सिटीज और इम्पोर्टेंट रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन वुड पासर्स बाय हैव स्टॉप्ड टू रीड दिस. Most people were probably not literate. Did everybody throughout the subcontinent understand the Prakrit used in Pataliputra? Would the order of the king have been followed? Answer to such questions, they are not so easy to find out. Some of these problems are, you can see, mentioned. Okay, if we look on the Ashokan inscriptions. Okay, here you see, when the historian interpreted the inscription, it reflects the anguish of the ruler. Okay? Here come to the inscription. So here if we talk about the interpretations of this inscription, ये किसको दिखाता है? ये युद्ध के प्रति उसकी वेदना, उसकी पीड़ा को दिखाता है. जैसा कि हमने कलिंग युद्ध में देखा था, अशोक ने उसके बाद क्या किया था? युद्ध को त्याग कर धम्म का मार्ग अपनाया था. So the anguish of the king here is the raja ki vedna aur uski peeda. To hum kya dekhte hain? Jab Dewan Priyadarshi ne apne shasan ke 8ve varsh pe kahan par aakraman kiya? Kalinga par. Theek hai, kahan hai Kalinga? That is present day coastal Odisha. Odisha ke tatvarti kshetra par. So 150,000 men were deported, 100,000 were killed and many more died. तो आप देखते हैं कि 1.5 लाख है ना लोग क्या किए गए थे, निष्कासित कर दिए गए थे. 1 लाख से अधिक लोग की जान गई थी, इससे भी ज्यादा मृत्यु हुई थी. After that now, okay, that the country of the Kalinga has been taken. Dewan Priya is devoted to an intense study of Dham, to the love of Dham and to instructing the people in Dham. तो अब कलिंग के पर शासन करने के बाद जो देवान पिए ने क्या किया, जो धम का गहन अध्ययन किया, intense study, जिसमें उसका लव दिखता है धम के प्रति और उसका उपदेश किसको लेकर, लोगों को धम के बारे में. ठीक है, thus is the repentance of Dewan Priya on account of his conquest. कंट्री ऑफ द कलिंग, यहाँ पर कलिंग को लेकर उसको उसके मन में जो पश्चाताप था. ठीक है, यह बहुत ही दर्दनीय और निंदनीय है कि जब कोई किसी राज्य पर विजय प्राप्त करता है तो पराजित जो राज्य है उसको कितना नुकसान होता है, जहाँ पर लोग मारे जाते हैं, लोगों को देश निकाला किया जाता है. सो हियर यू कैन सी फॉर दिस इज कंसिडर्ड वेरी पेनफुल एंड डेप्लोरेबल बाय देवान पीए दैट while one is conquering an unconquered country, slaughter, death and deportations of people take place there. While Ashoka inscriptions have been found present day Odisha, it was not found in the conquered region in Kalinga. It was found in another place. It means that the conquest of the region became too painful that he was unable to address the issue to the people of Kalinga. So the next topic here is the limitations of the inscriptional evidences. So there were certain limitations. One, you can see the technical problem in deciphering. Okay, then fundamental. So what is there in the technical? Letters are very faintly engraved. Yani, and it's difficult to read. Okay. So you can see अक्षरों को हल्के रंग से उत्तीर्ण किया गया जिसे पढ़ पाना मुश्किल होता है. An inscription may be damaged or word are missing. It is not always easy to be sure about exact meaning of the word used in inscription.
सम ऑफ विच में स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर प्लेस और टाइम। तो शब्दों के वास्तविक अर्थ के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान हो पाना सदैव आसान नहीं है, क्योंकि इसका आप देखते हैं उसका किसी विशेष स्थान या समय से संबंधित होता है। देन कम्स द प्रॉब्लम ऑफ डिसाइफरिंग। ओके, सो हियर यू कैन सी सेवरल थाउजेंड इंस्क्रिप्शन हैव बीन डिस्कवर्ड बट नॉट बीन रेड पब्लिश एंड ट्रांसलेटेड। मैनी मोर इंस्क्रिप्शंस मस्ट हैव एग्जिस्टेड विच मे नॉट सर्वाइव्ड ओके द रेविजेस ऑफ टाइम। तो आप देखते हैं कुछ ऐसे अभिलेख हैं जो समय के साथ क्या होते हैं पूरी तरह से डैमेज हो गए हैं, जो अभी बचा है वो सिर्फ उसका अंश मात्र है। देन कम्स द फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हियर। सो नॉट एवरीथिंग दैट वी मे कंसीडर पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट ओके वो नेसेसरली रिकॉर्डेड इन इंस्क्रिप्शन। So you can take the routine agricultural practices and the joys and sorrow of daily existence. Okay, they are not mentioned in the inscription. The inscriptions focus on the grand and unique occasions. Then comes the content of the inscriptions. Here, the next point. The content of the inscriptions always describe the perspective of that who had commissioned it. As such, need to show themselves as they want to illustrate themselves. They have shown what they want to illustrate themselves. So the historian, they go through the other perspective for the better understanding of the past. So the epigraphy, it does not provide it full understanding of political and economic history. And you can see scholar in the late 19th and early 20th century were primarily interested in the history of the king. From the mid 20th century onward, issues such as economic changes and the way in which different social groups emerged have assumed for more importance. So recent decades, you can see they have the historian, the scholar have shown some interest in the history of the marginalized group. This will probably lead to the fresh investigation of old sources and the development of new strategies of analysis. तो इससे क्या होगा, प्राचीन स्रोतों पर जो हमारे पास सोर्सेस हैं उस पर पुनर्विचार किया जाएगा और उसी के आधार पर विश्लेषण की नई विधियां विकसित की जाएंगी। So students, we have finished the chapter second. The next video, I will cover some important question answer related with your topic.